वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सबसे पहले हमें सेक्शन निकाल लेना है, ऐसे जैसे मैं सेक्शन निकाल रहा हूँ ऐसे ही आप सेक्शन निकाल लेंगे नीट। फिर उसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्किन फेड हेयर कट। आज हमारा जो हेयर कट करने का तरीका वो थोड़ा चेंज होने वाला है, तो आप देख लो सबसे पहले। मगर मारना सबसे पहले आपको दो नंबर ही है। बड़े बालों में अगर हम जीरो करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें एक अलग थोड़ा अलग तरीके से कट करने वाले हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर मार लेना है ऊपर तक। जहाँ तक मैं मार रहा हूँ इतना ही आप मार लेंगे जितना मैं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको मुझे फॉलो करना है। आपका हेयर कट बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। आज मैं आपको हल्का सा अलग स्टाइल से करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो मैं करता हूँ जैसे मैं करता हूँ आपको पता ही है। पहले मैं पूरा बेस बनाता हूँ, पूरा बेस रेडी करता हूँ, पूरा ऊपर ऊपर का करता हूँ, बाद में जीरो करता हूँ मैं। मगर मैं आज क्या करने जा रहा हूँ, पहले जीरो करने जा रहा हूँ, बाद में बाकी सारा हेयर कट करूँगा। मगर जो आसान तरीका है वो आपका वही है जो मैं बताता हूँ। पहले हमें ऊपर का पूरा सेक्शन बना लेना चाहिए, उसके बाद जीरो करना चाहिए, उससे हमें मिक्सिंग करने में परेशानी नहीं होती। मगर आज ये हल्का सा चेंज है, इसमें हल्का सा आपको हो सकता है कि दिक्कत भी हो जाए, मगर आपको मैं जो दिखाता हूँ वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसमें भी वही स्टेप होगा मेरा जो मैं हमेशा करता हूँ, जीरो में करना जो आसान होता है। मगर आपको अगर ऐसा भी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैं आपको बोलता हूँ। हमारी जो लाइन होनी चाहिए बिल्कुल एक क्लियर लाइन होनी चाहिए कि हमें इस लाइन पर पूरा इस बेस पर हमें पूरा काम करना है। ऐसे बोलता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इस चीज़ को ही मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मतलब ये लाइन होगी ना तो हम अगर मिक्स भी करेंगे ना तो हमारी मिक्सिंग जो होगी बहुत ईजी हो जाएगी मिक्सिंग। अगर ये हमारी लाइन ऊपर नीचे होगी, आगे पीछे होगी, तो हमें मिक्स करने में भी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप दो नंबर मारो, एक नंबर मारो, तो एक ऐसे एक इक्वल सा, एक बिल्कुल इक्वल लगना चाहिए, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए बाल। अब क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो कर रहा हूँ, देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आप भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें भी कोई कुछ बड़ी बात नहीं है। बस आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप, मुझे फॉलो करना है, आपको देखना है मैं कैसे करता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। बहुत सिंपल है ये थोड़ा सा जो लुक होने वाला है ना हमारे साइड का, आपने सुना भी होगा किंग, जो किंग सिंगर है वे हल्का सा इस टाइप में रखते हैं बाल। हम उसी टाइप का थोड़ा साइड का हेयर कट करने वाले हैं। जो हमारे किंग सिंगर है वो साइड में ऐसा ही रखते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम उसी टाइप में थोड़ा सा हेयर कट करने वाले हैं। ऐसा ही आज हम इनका करेंगे, पूरा ऊपर ऊपर के हम पूरे प्रॉपर एक अलग से दिखेंगे बाल। मगर हमें मिक्सिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो हम एक अच्छे से मिक्सिंग भी देंगे बालों में। ये नहीं कि बिल्कुल एक अलग से लाइन दिखेगी, नहीं, पूरा अच्छे से मिक्स होकर बाल दिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक नंबर मार लेंगे, एक नंबर मार लेनी है अच्छे से जितना मैं मार रहा हूँ। इस कट में क्या है ना, जो मैंने दो नंबर मारा था, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने दो नंबर मारा था ना पहले, तो ये उसकी ही तरह है। आप चाहे तो पहले एक नंबर भी मार सकते हैं, दो नंबर मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मगर दो नंबर मैं इसलिए मारता हूँ, दो नंबर मारने का मेरा मोटिव यही होता है कि दो नंबर से क्या होता है, हमारा जो कट करने का जो आसान हो जाएगा ना, हम जब सीज़र से बालों को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग में हम आसानी हो जाएगी। बस मैं इसीलिए दो नंबर पहले मारता हूँ। अगर हम जीरो कर रहे हैं, मान लो एक नंबर जीरो कर रहे हैं, तो मैं दो नंबर, आप देखते हो मैं सबसे पहले दो नंबर मारता हूँ। तो मेरा मकसद यही होता है कि दो नंबर मारने के बाद जो हमारे मिक्सिंग करेंगे ना हम सीजर से, वो बहुत आसान होता है मिक्स करना, उससे आप आसानी से मिक्स कर लोगे। तो यही होता है, ये चीज़ आपको समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको समझनी है। अब मैं एक नंबर मार रहा हूँ और मैं आपको बताता भी रहता हूँ, एक नंबर में मारता हूँ, जब मैं डेढ़ नंबर मारता हूँ तो जो साइड वाला बटन होता है उसे पूरा नीचे कर देता हूँ, जब हमारा डेढ़ नंबर बन जाता है। अब देखो पहले मैंने क्या मारा, एक नंबर मारा, अब मैंने 0.5 साइड वाला बटन दबा दिया, मशीन पूरी जीरो होती है अगर हम नॉर्मली मारे। अब मैंने साइड वाला बटन दबा, क्या करा, 0.5। मैं आपको एक प्रॉपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक वीडियो आपके लिए प्रॉपर इस चीज़ पे भी बना के डाल दूंगा कि आपको जब डेढ़ नंबर करना है तो कैसे करना है। जब 0.5 मारते हैं, मैं आपको एक अपनी वॉइस में सीधा, जैसे मैं ये बाद में रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस, उसमें मैं सीधा सीधा आपको बिल्कुल हाथों हाथ वॉइस रिकॉर्ड करके बताऊँगा कि आपको ये चीज़ जब डेढ़ नंबर करनी है तो कैसे करनी है, एक नंबर लगाना है तो कैसे लगाना है,
और आपको 0.5 कैसे करना है, इन चीज़ पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो पर्सनली बना के डाल दूंगा। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, आपको चाहिए होगी तो मुझे बताना। आप कोई सा भी एक नंबर ले लो, कोई सा भी दो नंबर ले लो, आप पे सिर्फ मिलाना आना चाहिए और साइड वाला बटन जो है बस। सब देखो, सब क्या है ना हमारे, देखो सब ट्रिमर का ही कमाल होता है। देखो अब जी 0.5 करा था, पहले मैंने एक नंबर मारा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 कर रहा हूँ। साइड वाला बटन दबा दिया मैंने, पूरा नीचे कर दिया, तो उससे क्या होता है 0.5 हो जाता है। और प्रॉपर एक किसी को इस चीज़ पे वीडियो चाहिए 0.5 कैसा होता है, 1.5 कैसा होता है, तो मैं उस पे भी वीडियो बना के डाल दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हल्का हल्का मार रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मार रहा, एक हल्का हल्का, एक मुझे एक नीट सा लुक देना है, यहीं पे बालों को यहीं से यहीं मिक्स करना है। अब 0.5 मार रहा हूँ मैं अच्छे से, ऐसे ही आप मार लेंगे 0.5। अभी मैं 0.5 मार रहा हूँ, अब मैं साइड वाला बटन ही दबा के उसे कर लूँगा, देख लो जीरो कर लूँगा। ये देखो अभी तो मैं 0.5 ही कर रहा हूँ, ऐसे ही आप कर लेंगे, पहले 0.5 से आप देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बीच में कर दिया मैंने, अब मैंने क्या करा है, बिल्कुल जीरो नहीं किया, बीच में किया है, चलो मैं जीरो से हल्का सा ऊपर किया, 0.2 या 0.3 के बीच में कर लिया, जहाँ मेरे बाल मिक्स हो जाएंगे वहीं मैं कर लेता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना, मैं एक मुझे जब भी मैं बोल रहा हूँ एक कमेंट कर दूँगा आप प्यारा सा, तो मैं एक प्रॉपर सी वीडियो आपके लिए बना के डाल दूँगा, आपको तरीके से बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि ये चीज़ ऐसे आपको करना है। जितने कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं बना दूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.2 या 0.3 साइड वाला बटन बीच में करके, ना बिल्कुल ऊपर ना बिल्कुल नीचे, बीच में। उससे क्या मेरे बालों की अच्छे से मिक्सिंग हो रही है, देखो होगा ना मिक्स। पहले मैंने 0.5 मारा, अब मैंने 0.2 या 0.3, जिससे हमारे बाल मिक्स हो जाए। अगर आपको लगता है कि 2-3 से नहीं हो रहा है तो 2 कर लो, 2 से नहीं हो रहा तो 0.1 कर लो, और 1 से भी नहीं हो रहा तो बिल्कुल 0 भी कर सकते हो आप, जिससे बाल मिक्स हो जाए हमें वही यूज करना है। मगर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाल की डेंसिटी पे भी अकॉर्डिंग डेंसिटी भी हमें देखनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डेंसिटी हल्की होती है ना, डेंसिटी बाल सर में कम होते हैं, डेंस कम होती है, मतलब छिद्दे बाल होते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिनके बाल छिद्दे होते हैं तो उनमें हमारा 0.5 भी काम कर जाता है, और जिनके बाल ज़्यादा घने होते हैं उनमें 0.2-0.3 भी मानना पड़ जाता है हमें, और 0 भी मानना पड़ जाता है मिक्स करने के लिए। तो ये बालों की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि किसके बाल कैसे हैं, हमें कौन से मिक्स करना है, ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, आप देखो किसी के भी लाइन बनाऊँगा ना, तो हमेशा मैं आपको समझाता रहता हूँ, ये जो लाइन बनानी है सीजर से ही बनानी है, ट्रिमर बिल्कुल भी यहाँ यूज नहीं करना, क्योंकि ट्रिमर से थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती है, सीजर हमारे हाथ में है, हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। अब क्या कर रहा हूँ देखो, एक नीट लुक दे रहा हूँ, साइडों का थोड़ा नीट कर रहा हूँ ऊपर से, मगर ये चीज़ है जब हम ये लुक बनाते हैं ना नीट लुक, तो इससे हमारा कट में ना थोड़ी और जान आ जाती है, हमारा कट थोड़ा और अच्छा लगता है, ये चीज़ होती है। आप देखो हल्का सा ऐसे मार लेंगे रेज़र, और जब मैं ऊपर को मारता हूँ वो भी मैं आपको एक बार ट्रिक बताऊँगा, ज़रूर पर्सनली बताऊंगा आपको एक वीडियो में, कि ये रिजर मैं ऊपर से पकड़ के मारता हूँ कैसे मारना है आपको भी। जो भी मैं करता हूँ मैं आपको सब सिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वो भी आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप मुझसे भी अच्छा हेयर कट करो। बस देखो मैं यहाँ भी ज़्यादा रेजर नहीं मारा, बहुत हल्का सा मारा हूँ, जिससे कि बस एक आगे आगे मारा मैंने, हल्का सा रेजर भी मारा ना मैंने, बिल्कुल बैक तक नहीं मारा, तो हल्का सा मारा था जिससे कि एक लाइन आ जाए प्यारी सी। अब मैं इधर भी ऐसे ही कर लूँगा, जितना मैंने उधर किया इतना ही मैं इधर करूँगा, मुझे दोनों साइड देख लेना है, आपको भी दोनों साइड देख लेना है कि जितना हमने उधर किया इतने ही हम इधर करेंगे, दोनों बराबर रखना है दोनों साइड, जिससे कि हमारा लुक एकदम बेस्ट आए। अब मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का क्लीन कर लूँगा पूरा, सॉरी पूरा क्लीन कर लूँगा अच्छे से, और रेज़र मार लेंगे अच्छे से। अभी मुझे लाइन भी देनी है बीच में, तो मैं लाइन बाद में देने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ एक लाइन ही दे रहा हूँ, सिर्फ ओनली फ्रंट फ्रंट पर कट दे रहा हूँ। देखो मैं जो रेजर चलाता हूँ ना उल्टा, मैं कुछ इस तरीके से चलाता हूँ, हाथ ऐसे रखता हूँ, ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे तरीके से चलाता हूँ, इससे मेरा क्या होता है, जो मेरे एक्स्ट्रा बाल कोई आगे को आता है ना, मैं सिर्फ उसकी वजह से ऐसे रेजर चलाता हूँ, जो बिल्कुल एक इक्वल लाइन लगे, बिल्कुल एक इक्वल लगे, बिल्कुल ऐसा ना लगे ऊपर नीचे आगे पीछे ना लगे, इसीलिए मैं ऐसे चलाता हूँ। अब मैं फ्रंट पर भी हल्का हल्का रेजर मार दूंगा, देखो ऐसे कट करूँगा हल्का हल्का, जो बाल एक्स्ट्रा आते हैं हमेशा ध्यान रखना, जो बाल हमारे एक्स्ट्रा आते हैं बिल्कुल सारे बाल ऊपर कर लो, जो एक्स्ट्रा आते हैं
वो हमें सीजर से ही काटना है, जो एक दो बाल ऐसे सुई की तरह आगे को निकलते रहते हैं उन्हें सीजर से काट दो। देखो पूरा एक लाइन दे दी मैंने, एक इक्वल एक पूरा कट दे दिया जैसे सलमान भाई का है हमारे, इससे थोड़ा अच्छा भी लगता है कट, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या करा, डेढ़ नंबर कर लिया, पहले मैंने एक मारा था, पहले दो मारा था, उसके फिर मैं डेढ़ कर रहा हूँ, डेढ़ हल्का हल्का मारूंगा, मैं ज़्यादा नहीं मारूंगा, बिल्कुल हल्का हल्का ही, सिर्फ मैं मिक्सिंग के लिए मार रहा हूँ, जो मैं हल्का हल्का मिक्सिंग के लिए हल्का हल्का यहीं से यहीं मार के बस बालों को मिक्स कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं सीजर से मिक्स करूंगा, तो मैं बहुत हल्का हल्का मारने वाला हूँ। इधर मुझे हल्की सी मिक्सिंग कम लग रही थी, उस साइड मिक्सिंग अच्छी लग रही थी, तो उस साइड बहुत कम मारने वाला हूँ, इधर थोड़ी लग रहा था मुझे कि मिक्स अच्छे से नहीं हुए, तो मैं इसीलिए डेढ़ नंबर, अब एक नंबर हल्का सा एक नंबर मार रहा हूँ। देखो जो साइड वाला बटन है उससे ही हमारा डेढ़ नंबर होगा, और वो साइड वाला बटन पूरा नीचे कर देंगे तो डेढ़ हो जाएगा, जिसे हम 1.5 बोलते हैं, अगर हम उसे ऊपर कर देंगे तो एक नंबर हो जाएगा। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 0.5 मार रहा हूँ हल्का हल्का, और मिक्सिंग के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो मिक्सिंग करने के लिए, अच्छी मिक्सिंग करने के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें कैसे बालों को मिक्स करना है, कि हमारे कौन से नंबर से मिक्स होंगे बाल, जीरो कौन से नंबर से होंगे मिक्स अच्छे से। डेढ़ नंबर दो नंबर मार दिया हमने, एक नंबर मार दिया, तो उसके हमारा कौन से मिक्स होंगे, तो उसके लिए हम डेढ़ यूज करेंगे। जीरो मार रहा है और एक मारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 मिक्स करेंगे। अगर जीरो मार रहा है बिल्कुल, तो हमें जो मिक्सिंग में काम आएगा वो 0.5 ही काम आएगा, उससे नीचे हम जा सकते हैं अगर हमारे बालों में हल्की सी लाइन शो होती है तो, अगर नहीं होती उससे अच्छे से मिक्स हो जाता है ठीक है, वरना आप 0.23 जो मैं आपको बताता रहता हूँ आप ऐसे देख सकते हो। अब देखो इधर भी मैं हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का ट्रिमर मारूंगा, इधर ऑलरेडी मुझे अच्छे से मिक्स लग रहे हैं बाल, तो अब हल्का सा मैंने 0.5 कर लिया, मुझे हल्की सी मिक्सिंग कम लग रही थी, तो मुझे जहाँ भी कुछ कमी दिखती है मैं कर देता हूँ। अब मैंने ऊपर हल्का हल्का यहाँ भी डेढ़ नंबर मार रहा हूँ हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं मारूंगा, फिर मैं अच्छे से सीजर से मिक्स कर लूँगा इन्हें। ये देखो अब मैं हल्का हल्का सीजर से मिक्स करूँगा, ज़्यादा ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे थोड़े पीछे के बाल भी भारी रखने थे, और ऊपर के मैं बिल्कुल भी कट करने वाला नहीं हूँ, ऊपर के टोटली सारे बाल ऐसे ही रहेंगे, ऊपर हमें ऐसे ही छोड़ने हैं बाल, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टाइलिंग में भी प्रॉब्लम होगी। अच्छे से थोड़ा सा मेरा जो ब्रश था वो ठीक नहीं चल रहा था, तो इस वजह से मुझे स्टाइलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वरना आपको किसी को भी अगर स्टाइलिंग सीखनी है बालों में तो मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपरली आपको समझाता था। कि अभी भी मैं इसमें भी आपको बताऊंगा ड्रायर चलाना कैसे चाहिए, ड्रायर चलाना क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, ये चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ड्रायर कैसे चलाते हैं, ये नहीं कि आप उल्टा सीधा ड्रायर चला लोगे, नहीं, ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा कि ड्रायर कैसे चलाना है आपको। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं हल्के हल्के बालों को मिक्स कर रहा हूँ, बस यहीं पर यहीं से यहीं मिक्स कर रहा हूँ, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत हल्का हल्का मिक्स कर रहा हूँ, बस जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे ही आपको मिक्स करना है, हल्का हल्का मिक्स कर रहा हूँ जो मैं बताता हूँ। देखो हर किसी के बालों का सर का टेक्चर भी अलग होता है, किसी का फेस गोल होता है, किसी का लंबा होता है, तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। किसी का तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम ऊपर तक भी जा सकते हैं, और किसी का ऐसा होता है कि हम बिल्कुल स्लोप में ही, मैं आपको हमेशा बताता हूँ अगर हम स्लोप में जा रहे हैं ना तो किसी का सर कैसा भी है हमें बिल्कुल साइड से जो लेना है वो एक स्लोप कट लेना है, एकदम एक प्रॉपर स्लोप सा कट लेना है। हमारा जो स्लोप होगा ना कट वो बहुत ही अच्छा लगता है, फेस बहुत अमेजिंग भी दिखता है, उससे फेस भी फेस लुक चेंज हो जाता है, और ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर तक ट्रिमर मार दी फिर उससे क्या लगता है, एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे गड्ढा सा हो जाता है, ऊपर की तरफ से ऐसा लगता है बिल्कुल बाल बहुत कम हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ट्रिमर वगैरह रेजर से कट देने वाला तो हो नहीं, तो मैंने हल्का हल्का ऐसी रेजर मार दिया, बस हल्का हल्का ऐसे ही मार दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो जीरो है ना वो बहुत ज़्यादा जीरो है, रेजर की तरह ही जीरो करता है वो। अब मैंने यहाँ हल्का हल्का रेजर मार दिया जिससे कि थोड़ा और नीटनेस लगे कट में, थोड़ा और नीट दिखे कट, तो मैंने हल्का हल्का इसलिए मार दिया था, बाकी और जगह मैं हल्का हल्का ऐसे ही कट मार दूंगा, बस रेजर मार दूंगा, सॉरी जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का यहाँ कट मार दूंगा, एक कट मारूंगा बहुत प्यारा सा, ऐसे ही आप कट मार सकते हो जैसे मैं मारूंगा, मगर आपको जब भी कट देना आप ट्रिमर से भी दे सकते हो, मगर जितना हो सके आपको सीजर से ही कट देना है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप सीजर से ही दो, बाकी अगर किसी को ट्रिमर से देना पसंद है आप ट्रिमर से भी दे सकते हो, मगर सीजर से जो कट आता है ना वो बेस्ट आता है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में हम आराम से बहुत प्यार से कट दे सकते हैं और वो अच्छा भी लगता है। बस मुझे ट्रिमर का यही डर होता है कि धोखे में हमारा हाथ इधर उधर को फिसल ना जाए, या कोई हमें हिला ना दे, या कुछ हो ना जाए, तो उससे ज़्यादा खतरा होता है,
अब देखो मैं आपको कलम मिक्स करके दिखा रहा हूँ, जीरो जो मैंने जीरो किया था वो कैसे मिक्स करना होता है। एक नंबर मार दिया, एक नंबर से मिक्स कर दिया, हल्का हल्का मिक्स करा है जो मैंने आपको दिखा रहा था मैं जीरो कैसे मिक्स करना है। अब क्या करा है, 0.5 मिक्स कर दिया। अब देखो 0.5 मारा सबसे पहले, देख लो आप 0.5 मारा सबसे पहले, फिर बिल्कुल जीरो मारा, ठीक है, फिर एक नंबर लिया उसे मार दिया, एक नंबर मार दिया, फिर अब दोबारा मैं 0.5 मारूंगा, देखो ये निकाल दिया 0.5। बस ये तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है मिक्स करना, आप आराम से मिक्स कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी स्टाइलिंग करो ना, जब भी ड्रायर मारो, ड्रायर का हमारा जो नोज़ल है आगे का जो पार्ट है हम उसे नोज़ल बोलते हैं, हमारा जो ड्रायर है ना, ड्रायर का मुंह हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्लाइंट के सर की तरफ को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना क्लाइंट को हीट लग गई ना तो बहुत गंदा जल सकता है, क्योंकि इस ड्रायरों में हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ड्रायर है उसका मुँह हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अब क्या है ना, मैं दूसरे भाई की शॉप पर आया था काम करने के लिए, कट वगैरह करने के लिए, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा ब्रश वगैरह भी नहीं मिल रहे थे, जैसा मिला वैसा मिला, तो मैंने वैसे से ही ड्रायर कर दिया अच्छे से। तो ऐसे ही आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, बस ये ड्रायर का मुँह देखो आप कैसा है, ड्रायर मेरा ऊपर को जा रहा है पूरा, प्रॉपरली ऊपर की तरफ को है, हवा जो जा रही है ऊपर की तरफ को जा रही है, ये नहीं कि मैं ऊपर से ड्रायर को नीचे को मार रहा हूँ, अगर मैं नीचे को मारूँगा तो क्लाइंट का सर जल जाएगा, तो मैं नीचे से ऊपर को मारा हूँ, उससे कोई खतरा भी नहीं होता और किसी के हीट भी नहीं लगेगी। एक वीडियो में ड्रायर पे भी डालने वाला हूँ बिल्कुल प्रॉपर, आपको स्टाइलिंग जब करूँगा आप ड्रायर कैसे चलाऊँगा, बिल्कुल एक सामने खड़ा होकर समझाऊँगा आपको, बताऊँगा कि ऐसे ड्रायर चलाना है, ऐसे पकड़ के चलाना है। मैंने हल्का सा वैक्स लगा ली थी, बहुत हल्की सी वैक्स लगाई थी, स्पाइडर वेब थी ये, मगर मैंने नॉर्मली ऐसे ही लगा दी, ये मैंने हल्का हल्का वैक्स लगा लिया है, ऐसे आप लगा लेंगे। वैक्स लगाना भी वैसे बहुत ज़रूरी है, अन्य हमारी स्टाइलिंग बनती भी नहीं है, बिना वैक्स के तो हमारे बाल किसी किसी के रुकते हैं नहीं, रुकते ही नहीं है, बहुत ही कम रुक पाते हैं। तो मैं बाल ऐसे ही सेट कर देता हूँ हाथों से, और ये हमारा फाइनल लुक है। आपको फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। 0.5 और 1.5 के बारे में कौन कौन जानना चाहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता।